स्वाभिमान के सूर्य आपका दिग दिगंत है ले उजियारा यादों की मीठी खुशबू से महक रहा मालव सारा गाथा के गायक सचमुच विक्रम के उन्नायक मालव के सच्चे सपूत थे कालिदास के मेघदूत थे मेघदूत थे यश कीर्तन करती रहती थी शिप्रा की निर्मल जलधारा मालव बोली के उदया चल बिल्व पत्र संग थे तुलसी दल अमृत बांटा पिया हलाहल लेकिन लक्ष्य सभी का मंगल राष्ट्रपति के पग से सुरभित स्मृति का तुलसी चौबारा स्वाभिमान के सूर्य आपका दिग दिगंत फैले उजियारा आइए अब चलते हैं स्वाभिमान के उस भारतीय सूर्य की यात्रा कथा के अगले मोड़ पर। वर्ष 1935 में भारत के महान विद्वान पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सारे यूरोप की यात्रा की जहां वे विश्व की अनेक विलक्षण प्रतिभाओं से मिले। लंदन की ग्रीनिज वेदशाला के वैज्ञानिकों से भी उनका संपर्क था। पंडित व्यास का विलक्षण ज्ञान देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। सूर्य अनुसंधान विभाग में तो उनका सम्मान भी किया गया। ऑस्ट्रिया के महान साहित्यकार स्टीफन ज्विग से भी मिले। जर्मन प्रवास में वे अडोल्फ हिटलर से भी मिले। हिटलर भी पंडित व्यास की असाधारण प्रतिभा से चमत्कृत हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान ने भारत और भारतीय संस्कृति का गौरव पूरे विश्व में फैलाया। विदेश से लौटने पर पंडित व्यास ने सागर प्रवास शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा। यात्रा साहित्य पर उनकी यह कृति आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। हम धन्य हैं कि सूर्यनारायण जी व्यास इतनी बड़ी निधि हमको दे गए जिसके बल पर उज्जैन सारे राष्ट्र में नहीं है सारे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकेगा। उसको गौरव से हम गौरवान्वित होंगे सारा विश्व गौरवान्वित होगा। हम तो जहाँ भी गए कलकत्ता गए विदेश में भी लोग उज्जैन का नाम आते ही सूर्यनारायण व्यास जी की बात पहले सबसे पहले पूछते थे। मुझे 5-6 देशों में घूमने का अवसर मिला है। भारतीय परिवारों में वहाँ पर भी ज्योतिष के प्रति जो अनुराग है तो मैंने लंदन में 3 परिवारों में परिजनों के बीच में पंडित जी की तस्वीर मैंने देखी। हमने कहा ये किसकी तस्वीर है तो बोले आप नहीं जानते। मैंने कहा आप नाम ले सकते हैं बोले ये पंडित सूर्यनारायण जी व्यास की तस्वीर है। हमने कहा आपके यहाँ बोले जब कभी ज्योतिष की चर्चा होती है हम लोग मिलते जुलते हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में तो उनका पूरे विश्व में नाम था ही। उन्हें हिटलर तक ने उनसे जो है अपनी सारी स्थितियाँ इंदौर महाराज के मार्फत जो है सारा जाँच करवाई थी और अष्टम जाज वगैरह से भी वो पूरा यूरोप प्रवास में मिले थे। उस जमाने में यूरोप प्रवास करने वाले गिनती के लोग होते थे तो 2-4 जो महाराजा कुछ गए थे उनके साथ ही इंदौर महाराजा उनको विशेष अतिथि बना के साथ ले गए और पूरा यूरोप उनको अपने साथ 6-7 महीने रखा और उस पर पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी सागर प्रवास। वो यात्रा साहित्य में आज भी
मानक ग्रंथ माना जाता है। सुशील कुमार जी जब उज्जैन में आते थे, नित्य उनके पास आते थे, मेरे सामने ही सुशील कुमार जी की उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा सुशील कुमार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो उन्होंने बारान्निकोव को, जो रशिया के बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए एक आदमी मेरे पास है जो मेरे को बहुत योग्य लगता है, तुम रशिया से उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा बन सके रकम भेजो। तो उन्होंने न जाने कितने लाख रुपया, मेरे को जहाँ तक याद है 80 लाख रुपया बड़े मामा जी को भेजा, उनके नाम से ड्राफ्ट आया। तो सुशील कुमार जी को बुला करके उन्होंने वो ड्राफ्ट दिया, फिर दिल्ली में जो अहिंसा भवन बना है वो उसी पैसे से बना। नेपाल में जब था तो वहाँ उनको बुलाया था, महाराज नेपाल श्री 5 वीर विक्रम महेंद्र वीर विक्रम शाह देव उनका स्वागत करने आए थे, अपने महल में बुलाया था, उनका सम्मान किया था और उनकी उनकी महानता से स्वयं आप्लायित हो गए थे, डूब गए थे, तारीफ करते थे, ऐसा विद्वान आना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कालिदास पर डाक टिकट भारत में प्रचारित होने के पहले रूस में, सोवियत रूस में, और व्यास जी की प्रेरणा से एक डाक टिकट तैयार हुआ था। साहित्यकार व्यास जी 1941 में मध्य भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। यहाँ उन्होंने अपनी अध्यक्षता में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया कि उज्जैनी में विश्वविद्यालय बने। और फिर प्रखर पत्रकार पंडित व्यास ने वर्ष 1942 में क्रांतिकारी पत्र विक्रम का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। संपादक व्यास जी भविष्य दृष्टा भी थे। 1942 से ही उन्होंने भारत का राज चिन्ह अपने पत्र विक्रम के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। व्यास जी का विक्रम हिंदी का मॉडर्न रिव्यू बन गया था। विक्रम के माध्यम से उन्होंने पराधीन भारत के सोए हुए पराक्रम को जगाने का काम किया। अकेला विक्रम का जो संपादकीय है, जो शायद 5-6 हजार पृष्ठों में वो उनके लेख फैले हुए हैं, ये केवल संपादकीय नहीं है जो कि साहित्य पर या उस पत्रिका पर आधारित हो। इस संपादकीय में पंडित जी ने इतनी तरह की समस्याओं को छुआ है कि अगर इन संपादकीयों को पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि पंडित जी के पांडित्य का, ज्ञान का, सोच विचार का कितना बड़ा आयाम है। एक तरफ वो बोल्शेविक क्रांति की बात भी करते हैं, देशी राजाओं की बात करते हैं, देश में महंगाई की बात करते हैं, अंग्रेजी तंत्र की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसकी, यानी इतने पक्ष हैं उसके संपादकीय की, आखिरकार 6-8 हजार पृष्ठों में, और पढ़े ज्यादा दोहराया नहीं अपने, ठीक है एक व्यक्ति के विचार होते हैं कभी कभी उसमें दोहराव भी आता है, लेकिन पंडित जी ने दोहराया नहीं। अगर न दोहरा कर उन्होंने लिखा होगा, और एक समय सजग जिसको पत्रकार कहते हैं, उन्होंने पत्रिका साहित्यिक निकाली, ये परंपरा हिंदी में ज्यादा नहीं रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ये काम करते थे कि जब वो साहित्य की पत्रिका निकालते तो देश की जो दूसरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो भी समस्याएं थी उनको जूते थे। पंडित जी उसी परंपरा के पत्रकार थे। मुझे लगता है पत्रकारिता की दृष्टि से जो उन्होंने अपने आप संपादन किया, जो कुछ संपादकीय लिखे,
सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, और समाज को कैसे अंदर गहराई तक छू सकते हैं। संपादक के लिए जो बड़ा कर्तव्य होता है कि उसपे उसका एक समाज का जो आईना है वो दिखाया जा सके जनता को। और उस समय में जब स्वतंत्रता की प्रारंभिक किरणें आई और उसके बाद किस तरह से देश में जिस तरह से प्रगति हो रही थी, समाज में कुरीतियां रही, विश्वास रहे, गुलामी की एक मानसिकता रही, उससे उबारने के लिए पंडित सूर्यनारायण व्यास ने समाज में जागृति लाने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। विक्रम जो उस उनके समय का काफी बड़ा बढ़िया वैचारिक पत्र था, उसकी टिप्पणियां अर्थात संपादकीय पढ़ने को लोग बेचैन रहते थे, और मुझे नहीं याद आता है कि उस प्रकार की उतनी अधिक विशद विश्लेषणात्मक टिप्पणियां और किसी ने इतनी अधिक लिखी हों। करीब 16 पृष्ठों तक उनके विचार उसमें रहते थे, इतना अधिक संपादकीय लेखन एक सांस में लिख जाना साधारण बात नहीं थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में, और जिसे कहा जाए कि एक नई तरह की दृष्टि पूरे भारत को देने का काम पंडित सूर्यनारायण व्यास ने किया। सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। विक्रम पत्रिका जब बंद होने की नौबत आ गई तो किसी राज दरबार से उन्हें 5,000 रुपए का चेक भेजा गया, पत्रिका चलाते रहिए यार, हम थोड़ी सी सहायता दे रहे हैं। व्यास जी ने लौटती डाक से उस चेक को वापस कर दिया, लेकिन बड़े विनम्र शब्दों में, यह विशेषता थी। दरअसल विक्रम एक पत्र नहीं, एक आंदोलन था, एक सोए हुए राष्ट्र को जगाने का आंदोलन। सदियों से अंग्रेज इतिहासकार हमें पढ़ा रहे थे कि हम शोषित, पीड़ित और पराभूत रहे हैं। विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर पंडित व्यास ने विक्रम द्विसहस्राब्दी की परिकल्पना राष्ट्र के सम्मुख रखी। उज्जैनी में जगह जगह जीर्णोद्धार हुए। विक्रम के नाम पर इस धार्मिक नगरी में उन्होंने मंदिर और मठों की स्थापना नहीं की, अपितु विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की, मालवा का पहला गौरवशाली विश्वविद्यालय। इतना ही नहीं, विक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने मित्र विजय भट्ट और पृथ्वीराज कपूर से सम्राट विक्रमादित्य फिल्म का निर्माण भी करवाया। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की है तो उस समय खींचातानी शुरू हुई, तो महाराजा ग्वालियर से कह के उन्होंने राधा कृष्णन को, बड़े बड़े विद्वानों को उसमें इकट्ठा किया, एक समिति बनाई, और उसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू से कहला लिया अगर कोई शिक्षा का स्थान, संस्कृति का स्थान, विद्या का स्थान हो सकता है तो यही हो सकता है उज्जैन। यहाँ तक कि उसका नामकरण क्या हो, तो विक्रम विश्वविद्यालय नामकरण व्यास जी का ही किया हुआ।